सऊदी अरब में जिस तेज़ी के साथ लॉकडाउन की खबरें हैं, जिस तेज़ी से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, वहाँ इम्कान तो मौजूद है, लेकिन क्या नियर फ्यूचर में लॉकडाउन लगेगा, इस हवाले से सऊदी वजारत सेहत के जो तर्जमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने वजाहत पेश की है कि मुमलकत में फिर से लॉकडाउन का इम्कान जो है वो नियर फ्यूचर में नहीं है, यानी अभी करीब नहीं लग रहा, वबा की सिचुएशन देखी जा रही है और दोबारा सऊदी अरब में लॉकडाउन लगे इस हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया। मुमलकत में वबाई केस में इजाफा देखा है लेकिन मुल्क को फिर से बंद नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना था। उनका ये कहना था कि सबसे पहले तो SOPs को सख्त करके, स्ट्रिक्ट करके उन पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, वैक्सीनेशन को उनकी जो मुहिम है उसको मज़ीद जारहाना और फास्ट किया जाएगा, बूस्टर डोजेस को वो दिया जाएगा, लोग बूस्टर डोज लगवाएं, लेकिन अब जो लोग कतरा रहे हैं उनको इस तरफ लाया जाएगा कि वो बूस्टर डोज लें, यानी दो खुराकें लेने के बाद 3 माह का अर्सा गुजर चुका है, तो आपका क़ौमी मुदाफ़ती सिस्टम वीक होना शुरू हो गया है। नए वेरियंट से लड़ने के लिए बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है। ऐसे में जो है अभी फ़िलहाल तो नियर फ्यूचर में उनका ये कहना है कि हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे, लेकिन जो केसेस का रेशो बढ़ रहा है इसके इम्कानात हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखें। अब्दुल आली ने अपनी गुफ्तगू में ये भी बताया है कि जो वबा है उसका जो मरहला है उसको देखते हुए जो है फैसले लिए जाएंगे, और इस वक्त जो लॉकडाउन की खबरें हैं कि लॉकडाउन लग चुका है ये गलत है, लॉकडाउन लगा नहीं है, लेकिन उसका फैसला जो है वो आने वाले दिनों में किया जाएगा। इम्कान लोग ज़ाहिर कर सकते हैं लेकिन लॉकडाउन की खबर जो है उसमें सदाकत नहीं है।